थैंक्स फॉर 30 सब्सक्राइबर स्पेशल गाइस, और ये 30 सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो, और देख सकते हो हम लोग आ गए हैं हमारी प्रॉमिस के थ्रू कि जैसे ही 30 सब्सक्राइबर हो गए वैसे ही हम लोग ये गेम खेलेंगे। तो हमारे 30 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मेरे को बहुत सारे लॉबी में बोल रहा था कि भाई स्कूल आ जाओ, स्कूल आ जाओ, स्कूल आ जाओ। मैंने उसकी बात मानी, स्कूल कूदा, और स्कूल जाते ही मेरे को सबसे पहले मिला गन, वो था डीपी। भाई डीपी मिलने के बाद मैं पहले ढूंढ रहा था कि कोई बंदा आया है, कोई बंदा आया। आसपास मैंने सर्च किया पर कोई बंदा मेरे को वैसा कोई मिला ही नहीं। फिर मैं नीचे गया, फिर मेरे को हल्का हल्का फुटस्टेप भी आया इधर से, मैं उस पर इग्नोर किया। मेरे को लगा कि वो शायद मेरे टीममेट का फुटस्टेप हो सकता है, बट नहीं, सच में वो बंदा था। मैं आगे गया बट मेरे को नहीं लगा कि वो बंदा है, क्योंकि ये एक बॉट था जो कि खड़ा हुआ था। अब मेरे को नहीं मालूम क्योंकि बॉट था कि नहीं, ये मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि ये हो भी सकता है कि कोई बंदा हो जो कि ऑफलाइन चाहे वो अपने टीममेट के बाहर हो। तो भाई हमारे प्लेयर ने मंगा दिया है ड्रॉप और वेट कर रहे हैं ड्रॉप के लिए। तो ड्रॉप हमारे आते ही साथ हमारा पोपट तो बन ही गया था, क्योंकि देखो ड्रॉप एक जगह अटक गया है। अब यहाँ से ड्रॉप कैसे निकाला जाएगा ये पूछा जा रहा था। हमारे भैया ने बोला कि भाई वेट करो, कोई बंदा आने दो, और जैसे कि बंदा आने दो का मीन्स की गाड़ी लेकर आता हूँ, गाड़ी से चढ़ के निकाल लिया जाएगा। मैं भाई दिमाग धर आदमी से ठहरा, मैं भी दिमाग लगा रहा था। अब मेरे को ऊपर से गोली पड़ा। अब जब गोली पड़ा तो भाई आदमी देखेगा थोड़ी, वेट थोड़ी करेगा, सोचेगा ना कि उसको कैसे मारूं। तो मेरे को वो नहीं मालूम था, पर जब मैं इधर देखा तो मेरे को याद पड़ा कि भाई इधर तो वो मौली मार रहा है, मीन्स तो मेरे को इस पोजीशन में सोचा हुआ है, बट मैं भी इस तरह मीन्स मेरे को देखना था। फिर मेरे को मालूम चला ये मेरे बंदे को नॉक किया, तो मैंने उसके सामने चुपचाप स्मोक कर दिया कि भाई तुमको रिवाइव होना है, हो जाओ पर जल्दी हो। तो वो रिवाइव हो रहा था जब तक, तब तक मैं वेट कर रहा था कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। फिर मैं बोला कि बस अब तो हो गया भाई, अब तो रश करना बनता है। बट उससे पहले उन्होंने बोला था कि ड्रॉप निकाल लेते हैं, साथ में चलते हैं, क्योंकि वो बंदा थोड़ा देर के लिए शांत हो गया था, क्या पता क्यों। तो हम लोग भी, भाई ने हमारे नेट मारा और नेट से ड्रॉप निकल गया। तो ड्रॉप निकल गया तो भाई ग्रोजा मिला। अब देखो भाई मैंने ऊपर आया तो मैं देखा कि भाई वो नीचे भाग रहा है। जब मैंने इसको देखा भाई से मैं बोला कि अब तो मैं गया, पर नहीं, ग्रोजा भाई ओपी ग्रोजा, गोजा के नाम पे ठोक दो लाइक यार और बता दो कैसा है गोजा। फिर मैं सोचा कि अब आगे जाता हूँ, देखता हूँ, तब तक पीछे से फायर आ जाता है, जिसके चक्कर में मेरे को सबसे बड़ा ये खराब लगता है कि भाई कभी तो शांति हो जाए। फिर मैं इस बंदे को इतना डैमेज देता हूँ कि बंदा समझ जाओ कि 50 HP के बराबर तो होगा ही। फिर मैं अपने बंदों को बोलता हूँ मैं भाई आओ, फिर मैं अपना DP रिलोड करने में जितना टाइम लग जाता है तब तक वो बंदा छिप जाता है और इस बंदे को नॉक किया जाता है हमारे एक नंबर भाई के लिए। बंदे की क्या बताए, अब ये भाई ग्लाइडर लेकर आया, मेरे को बताया गया कि भाई ग्लाइडर लेकर आया गया है कोई बंदा। फिर मैंने इसको मारने की ट्राई किया, फिर सोचा कि क्या मार के करूँगा यार, हम लोग तो हैं नहीं ना डायनेमो, तो वाई वी बिकम डायनेमो, हम लोग क्यों बने डायनेमो भाई, क्योंकि उसको गोली नहीं लग रहा है ना, वो मेरे को मार पा रहा। तो मैं कहा गया मतलब फाइट लेके करूँगी क्या, तो मेरे को याद आया कि सामने बंदा है। तो फिर मैंने ना अपने टीममेट को बोला भाई ग्रोजा है, ग्रोजा के देख लो भाई मेरे पास ग्रोजा है और मेरे पास DP में एमओ बहुत कम है, AWM गिरा दो भाई। भाई बंदा एक नंबर, इतना रिक्वेस्ट के बाद वो AWM फाइनली गिरा दिया, और गिराने के बाद मैंने उससे लिया AWM और मैं बोला भाई एकदम जल्दी जल्दी एमओ दो और भाई तुमको क्या चाहिए बोलो। तो बोला भाई मेरे को 4x गिरा दो और चाहे जो तुम मांगो। तो भाई मैं बोला कि ठीक है लो भाई 4x ले लो, और मैं 2x खुद ले लिया। वहाँ पे 4x गिराने के बाद मैं आ गया, मैं बोला कि भाई अब इधर रुक के क्या करोगे, चलो आगे, आगे ही कहीं बैठा हुआ है वो, चलो मारा जाएगा मारा जाएगा। मैं बोला मैं आगे जा रहा हूँ, मेरे को कवर करो। मैं आगे गया, मैं बोला कि भाई देखो मार रहा है मेरे को, कवर करो। तो उससे उसको मारते उस समय एक भी बार नहीं सोचा कि उसका बंदा है, इसीलिए मेरे को फिनिश करने के चक्कर में वो खुद फिनिश हो गया। थैंक्स फॉर माई ब्रदरहुड जो मेरे साथ खेल रहा है, कि वो मेरे को आके तुरंत के तुरंत रिवाइव भी दे दिया मेरे मरने से पहले, वो बहुत अच्छा हो गया। अब मैं यहाँ पे आया देखो समय, जब मैं मार रहा था तभी किल चोरी कर लिया, और अभी जब मैं इतना कुछ लूट लिया तब भाई मेरे अपने ब्रदरहुड नॉक हो जाते हैं और मार रहा हूँ इतना गोली लग चुका है तब भी वो नॉक होगा नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हैकर ही बोलेंगे बताओ। इतने गोली के बाद अगर इस गोली के बाद अगर मैं मरने के बाद भी अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा कि ये हैकर नहीं है तो भाई आप क्या बोलो, आप बस कमेंट में लिखो यार कि ये हैकर है और BGMI को इसको हटाना चाहिए, बैटल क्रॉस मोबाइल इंडिया को हटाना चाहिए। बताओ इसको, इसने कितना मारा और इसने देखो कैसे मारा, देखो इसको कितना गंदा मारता है। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, हैकर ने पूरा मूड बिगाड़ दिया, इसको देख सकते हो इसका टीममेट भी नहीं है यार, तब भी इसने पूरा आपका पूरा मूड बिगाड़ दिया। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आप अगर देख रहे हो इस गेम हैकर को निकालने के लिए खेलने वाले हो तो जाकर कमेंट करो।